तो बरखुरदार हो जाइए तैयार, क्योंकि तैयार है जनता दरबार। ये वो दरबार है जहां नेता पेश करते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड। ये वो दरबार है जहां जनता नेता के कामकाज का, उनके वादों का और दावों का करती है हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सातवें चरण में काशी में मतदान होना है और शहर दक्षिणी कहा जा रहा है कि यूपी का सबसे हॉट सीट है। उसके पीछे वजह है कि काशी के गंगा घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दोनों यहां से जुड़े हैं और वर्तमान में मंत्री नीलकंठ तिवारी बीजेपी से एक बार फिर से खड़े हैं। लेकिन लड़ाई कांटे की तब हो जाती है जब किशन दीक्षित उनके सामने खड़े होते हैं। वो भी एक महंत परिवार से बिलोंग करते हैं और वो भी एक ब्राह्मण है। ऐसे में जनता का मूड जनता दरबार में आज जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राघव भाई, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या लगता है कि क्या सिनेरियो बनने वाला है? सिनेरियो तो अब किशन दीक्षित जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। उसका एक कारण सबसे बड़ा है कि शालीन सभ्य, एक बनारस के भाषा में कहिए कि सस्ता, सुंदर और सौम्यता के साथ टिकाऊ प्रत्याशी। किसी के साथ रूठली बात नहीं करना। और हमारे मंत्री जी तो भाई अहंकार में भरे हुए हैं। और मंत्री जी ने जो काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसमें जो मंदिरों को तोड़ फोड़ किया, इससे बहुत दुखी है जनता। जो धार्मिक बनारस का जो धार्मिक माहौल है, उससे दुखी है। आप दिखाने को कुछ भी दिखा लें, दिखाने को आप कुछ भी दिखा लें, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था, चौक से मैदागिन के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ नियम बदले जाते हैं, जिससे व्यापारी। राघव भाई, आपको रोकेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ काशी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की आस्था की बात है। और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार मोदी ने कराया, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचा और बनारस भी पहुँचा। अभी तक क्या कहना है? काशी कॉरिडोर का जो मामला है, उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, ठीक है, और उसको कॉरिडोर बना दिया। कॉरिडोर का मतलब गलियारा बना दिया। पूरे मंदिर तोड़ दिए गए। हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि आपका जो शंकर के साथ पार्वती का रहना जरूरी था, शंकर के साथ पार्वती का रहना जरूरी था। इन्होंने पार्वती जी का भी मंदिर तोड़ दिया वहाँ से, तो जनता माफ़ नहीं करेगी इनको। और जो धर्म की नगरी है ना, धर्म में जब आप देखेंगे तो जब शक्ति ही नहीं रही तो उस वहाँ उपासक कहाँ रह पाएंगे। बिल्कुल, दक्षिणी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आपका क्या कहना है भाई साहब? जिस तरीके से कॉरिडोर पे काम हुआ, काशी के घाटों पे काम हुआ, गंगा को लेकर के काम हुआ, बनारस में एसटीपी चालू हो गए, दो दो दक्षिणी में मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल जो है पार्किंग बना दिया गया, एक आपका गोदौलिया बना, एक बेनिया बना, तो कुछ तो हुआ है ना विकास? देखिए, कॉरिडोर जो बनाया गया है, कॉरिडोर बनाने से आप देखेंगे जो भी इसको सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है। और आपने एकदम बिल्कुल सही ये प्रश्न उठाया है कि कॉरिडोर पूरे भारत को दिखाया जा रहा है, पूरे विश्व को दिखाया जा रहा है, पर जो हम लोगों की मूल सुविधाएं हैं काशी वासियों की, अनेकों मंदिर को तोड़ दिया गया, लोगों का रोजगार ठप हो गया, यातायात के सारे नियम ध्वस्त हो गए हैं। आए दिन बनारस काशी पूरे जाम से भरी होती है। अगर आपको किसी कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो वो शायद हॉस्पिटल तक ना जा पाए, वो रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। बाकी शहर दक्षिणी से जो हमारे प्रत्याशी किशन दीक्षित जी खड़े हैं, जो नीलकंठ जी के अगेंस्ट में खड़े हैं। किशन क्या एक युवा चेहरा है, इस वजह से आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि एक महंत परिवार से बिलोंग करते हैं, उसकी वजह से पसंद कर रहे हैं? क्या आखिर मतलब ऐसा क्या किशन के में है कि आप उनको लाना चाहते हैं? किशन जी की देखिए लोकप्रियता ये है कि वो समाज से जुड़े लोग हैं, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। ये विगत 20 वर्षों से ये पूरे दक्षिणी के हर एक क्षेत्र में इनका जमीन पर काम है, लोगों के बीच आना जाना, उनके सुख दुख में शरीक होना। बाकी किशन दीक्षित जैसा लोकप्रिय नेता जमीनी स्तर का कोई नहीं होगा, शायद इसलिए उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अनेकों लोगों का आवेदन अस्वीकार कर किशन दीक्षित को दिया गया है। और आप ये जानिए कि किशन दीक्षित जी बहुत अच्छे वोटों से शहर दक्षिणी को जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, दक्षिणी में जिस तरीके से बात हो रही है कि नीलकंठ तिवारी और किशन दीक्षित के बीच लड़ाई है, आप एक आम नागरिक हैं, क्या लगता है, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा समाज में भी और भी मुद्दे हैं? महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, क्या ये मुद्दे अलग हो गए हैं क्या? हाँ, ये मुद्दे अलग हो गए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? कॉरिडोर तो अलग विषय है, धर्म आस्था का विषय है, धार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन रोजगार भी तो मुद्दा है आदमी का।
क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार आनी चाहिए जनता का विकास हो, रोजगार मिले सबको। भैया ये तो कह रहे हैं कि जनता का विकास हो और बीजेपी कह रही कि विकास सिर्फ हम ही कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या कहना है इस पर? अभी तक तो यही कहा जा सकता है कि नीलकंठ तिवारी जैसा अहंकारी और घमंडी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में कभी नहीं दिया, और दोबारा देकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। और इससे ज़्यादा बस यही है कि चारों तरफ किशन दीक्षित ही किशन दीक्षित चल रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की मानी जा रही है, क्योंकि दक्षिणी में ही सबसे ज़्यादा सरकार ने विकास किया है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे घाट हो, तो ऐसे में क्या कहना है? आप पार्किंग दो बार पार्किंग के लिए बोले, तो वास्तव में पार्किंग की हकीकत ये है कि एक मोटरसाइकिल की पार्किंग 20 रुपया घंटा या 3 घंटा या 2 घंटा जो भी। आप एक बात समझिए कि अगर आप मार्केटिंग करने निकले हैं और पार्किंग में गाड़ी अगर 5 घंटा खड़ा कर दिए तो 100 रुपये आपका गाड़ी का पार्किंग के चला गया। और आप अच्छी एक बात, बहुत अच्छी बात समझिए कि जो पार्किंग दोनों छोर में बनी है वो उस पार्किंग तक साधन जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, पिकट लगा के पहले ही बंद कर दिया गया कि आपको जाना ही नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे पार्किंग का क्या मतलब है? और गदौलिया पे जो संजय गांधी मार्केट तोड़ के पार्किंग बनी है, मुद्दा क्या होने वाला है? दक्षिणी का मुद्दा दक्षिणी का मुद्दा यही है कि जो पार्किंग है वहाँ पे साधन पहुँचना चाहिए। दक्षिणी का मुद्दा ये है कि जो हमेशा वन वे में बंद कर दिया जाता था, व्यापारियों का माल आना जाना बंद होना चाहिए। दक्षिणी का मुद्दा ये है कि जो दुनिया भर के पर्यटक हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आते हैं उनकी सहूलियत मिले, वो सड़क पे ऐसे ही घूमते हैं, उनको कुछ आइडिया। मुद्दा क्या है दक्षिणी का? दक्षिणी देखिए, दक्षिणी जो शहर है, 7 बार से श्याम दयाल चौधरी और 8वीं बार जो है नीलकंठ तिवारी, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है तभी। नहीं, दक्षिणी का जो मेन मुद्दा है ना, दक्षिणी गलियों का है। ये जो पूरा विधानसभा ये गलियों का विधानसभा है, गलियों में समस्याएं आए दिन, सीवर जाम, सीवर चौक हो जा रही है, नालियां बह रही हैं, लोग उसी में आने जाने में वो है। दक्षिणी में क्या है कि सवेरे सवेरे इतने तमाम मंदिर हैं कि लोग जो है बाहर से चाहे यहाँ के वो सवेरे दर्शन करने जाते हैं, और नालियों का पानी लगातार बह रहा है, मंत्री जी कभी ध्यान नहीं देते। एक मुद्दा तो निकल के आया कि सीवर की समस्या दक्षिणी में है, दूसरा मुद्दा क्या होना वाला है? जो भाई साहब आपने रोड की बात की, अगर आप गुदौलिया चौराहे और दशाश्वमेध जाएंगे जहाँ इन्होंने पत्थर बनाए हुए हैं, जो आगे आने वाली बरसात में भी शायद आपको वो नज़र नहीं आएंगे, उखड़ जाएंगे, इतना खराब बेसिक बनाया गया उसको बेस पर। और शहर दक्षिणी की अनेक गलियों में अगर आप जाइए, अनेक गलियों के अंदर जितनी गलियाँ हैं सब आपको जो है एकदम टूटा रोड, टूटी सड़क मिलेगी। आप हर एक गली का आप निरीक्षण कर सकते हैं शहर दक्षिणी की, जहां आपको रोड टूटी हुई गली के अंदर ना मिले। बस ये चकाचौंध ये सजाई गई है, ये आपको हाईलाइट करके इनको चुनाव जीतना है। सारी व्यवस्था एकदम जो है चौपट और नर्क बना दिया गया है। शहर काशी के दक्षिणी क्षेत्र को आप गली गली जाकर देखिए, रोड का एकदम खस्ता हाल है, सीवर बह रहा है, और रोजगार की समस्या इतनी बड़ी समस्या है शहर दक्षिणी के लिए ही, जितने लोगों को, व्यापारियों को जो भाजपा कह रही है कि हमने जो है दक्षिणी का विकास किया, बनारस का विकास किया, जिससे पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो है बनारस कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। बस सच्चाई है कि आस्था का विषय है, बाबा यहाँ पर हैं, इसलिए लोगों की आस्था का केंद्र होने के नाते दर्शक और दर्शालु चले आते हैं। बाकी जहाँ तक प्रत्याशी का मामला है, प्रत्याशी ने तो इस दक्षिणी विधानसभा में, ये कह लीजिए दक्षिणी विधानसभा में जितने वार्डों हैं, हर एक बीजेपी वर्कर या आम जनमानस दक्षिणी का ये जानता है कि इस प्रत्याशी ने 3200 वार्ड विधानसभा दक्षिणी में जितने वार्ड आते हैं सभी वार्डों में सभासद प्रत्याशी को टिकट लाइन लगाकर इसने बेचा है, और इस बात को जनता बखूबी जानती है और समझती है। और अब ये बीजेपी वो वाली बीजेपी नहीं रह गई है, ये अब ये एक आरोप है, जनता का आरोप है कि उन्होंने टिकट को कैसे क्या बंटवारा किया। हमारा विषय भी वो नहीं है, हमारा विषय सिर्फ ये है कि दक्षिणी का आखिर मुद्दा क्या है, क्या विकास यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, विकास के नाम पर विकास थोड़े मोड़े विकास हुए हैं, हम लोग विकास से वो नहीं करते, पर जो मेन दक्षिणी का विकास होना चाहिए, इन्होंने काशी कॉरिडोर बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी और उसको मॉल बना दिया, जो मंदिर था उसको मॉल बना दिया ना इन्होंने, मंदिर एक आस्था का विषय। कांग्रेस से मुदिता भी खड़ी है, कहा जा रहा है उनका भी, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाने वाला है, मुस्लिमों का एक वोट बैंक उनके साथ जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम भाई हमारे जो है एकदम मूड बनाए हैं कि पार्टी स्तर में वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, और
रही दक्षिणी के विकास की, तो दक्षिणी के विकास का तो कोई विशेष नहीं है, पर दक्षिणी में एक समस्या ये भी बहुत ज़्यादा है कि जो नलों में सप्लाई होता है पानी, वो दुर्गंध भरा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सीवर से जो है कनेक्शन मिल गया है, और उसकी वजह से आए दिन बीमार होते हैं। एम्बुलेंस, जैसे कि भाई ने हमारा बताया कि बीमार लोग वहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, और कई लोग गुजर चुके हैं अभी, मतलब सही समय पे उपचार न मिलने पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो शासन और प्रशासन के बीच में, और मंत्री और एक स्तर के स्थानीय लोगों के बीच में टैली नहीं कर रहा है। ये विरोध का बहुत बड़ा वजह है। कहा जाता है कि जब चुनावी सटायर शुरू होता है तो उसमें जनता ही जो है निर्णय करती है, और ऐसे में शहर दक्षिणी में हमने जनता का मूड जाना। निश्चित तौर पर यहाँ युवा प्रत्याशी सपा से किशन दीक्षित मंत्री नीलकंठ तिवारी जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।